गुड मॉर्निंग। विभिन्न प्रश्न वाला सुबह अपन कर रहे थे, इसमें अब अपना प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के। 11 का प्रश्न है, 16 की विविध प्रश्न वाला 11। त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों वाले धातु के 3 ठोस धातु के 3 ठोस गोले धातु के 3 ठोस गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या 3 है, 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। इन तीनों गोलों को पिघलाया जाता है और एक बड़ा गोला बनाया जाता है। उस बड़े गोले की अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसको करने के लिए अपन मान लेते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या R = कितनी है? 6 सेमी। दूसरे गोले की त्रिज्या R की बराबर 8 सेमी और तीसरे गोले की R = 10। ठीक है, और जो नया गोला बनता है नए गोले की त्रिज्या बराबर बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी 3 जो छोटे गोले हैं उनका आयतन अपन जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर। अब गोले का आयतन होता क्या है? 4 / 3 π R³। भाई पहले गोले की त्रिज्या कितनी है?
आरोन दूसरे की दूसरे गोले का आयतन चार का तीन पाई आर क्यू, क्योंकि दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है आर क्यू, और तीसरे की चार का तीन पाई आर थ्री क्यू इज इक्वल टू बड़े गोले का आयतन चार का तीन पाई आर, यही ना। मैं इन तीन छोटे गोलों का आयतन जोड़ दे तो बड़े गोले के आयतन के बराबर उसका आयतन है आ जाएगा। अब हम देखो क्या कॉमन है, चार का तीन पाई इसमें भी है इसमें भी है इसमें कॉमन है, चार का तीन पाई या क्या बचा आर वन क्यूब प्लस आर टू क्यूब प्लस आर थ्री क्यूब इज इक्वल टू चार का तीन पाई आर क्यूब। तो चार का तीन पाई से फिर चार का तीन पाई कट गए, क्या बचा आर वन क्यूब या प्लस आर क्यू प्लस आर थ्री क्यू इज इक्वल टू आर आर क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर थ्री क्यू बराबर आर क्यू। अब आर क्यू क्या है, छह तो छह का क्यू आर क्या आर बना छह आर टू है आर ये है दस आर थ्री दस इज इक्वल टू आर क्यू या छह का क्यू छह छिकू छत्तीस छत्तीस का 216
अब देखो ये जो 12 का प्रश्न है ना, एक शंकु के आकार की बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी है तो पानी से पूरा भरा हुआ है, इसे 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करो, ये प्रश्न अपन पहले कर चुके जो अपनी 16.3 की प्रश्नमाला आई थी उसके अंदर ये 11 का प्रश्न था, ये अपन अंकर सूर्य पीछे। अब 12 का है, 12 का अपन पीछे हल कर चुके, तो अब प्रश्न कितने का है, 13 का प्रश्न किया है। यदि 11 से यदि 11 सेमी गुणा 3.5 सेमी गुणा 3.5 सेमी गुणा 2.5 सेमी गुणा 2.5 सेमी मोम के एक घनाभ से into
मेलादार मोमबत्ती है उसकी ऊंचाई अपने को याद करनी, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो इसका आयतन है ना उसमें इसका भाग दे दें। अब उसका आयतन कितना है, जितना उसका आयतन है, बेलना का मोम का आयतन कितना है, जितना मोम के घन का आयतन है, मोम के घन का आयतन कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 बटा पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7 7 ऊपर चले गए। आर कितनी है, 1.4 इंटू 1.4 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 7 ऊपर चले गए। अब इसको सरल कर लो, देखो ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो दो अक्षर हैं क्या, अब सात पॉइंट होगा, अब इसको सरल कर लो, सात से 14 को कटा दो, इसको सात से काट दो कितने आए, 7 × 35 और ये 7 × 14 ये 11 × 22 अब क्या बचा अपने पास, h इज इक्वल टू 5 × 25 बटा 2 × 4 = 8 4 × 8 अब 125 बनता 8, 125 में 8 का भाग दे दो, 8 × 4 8 × 4 = 40 5 पहले पॉइंट 6 × 2 = 48 दो बचे 8 × 16 4 × 0 8 × 4 = 40 तो h इज इक्वल टू 15.625 सेमी, ये इसके उत्तर। इस तरह से अपन ये याद कर सकते हैं। अब देखो 14 का प्रश्न है, ये भी इसी तरह से होगा, पहले अपन गोले का आयतन निकाल लेंगे और बेलन का आयतन निकाल लेंगे, गोले के आयतन में बेलन के आयतन का भाग दे देंगे और आर का मान आ जाएगा, ठीक है। 14 का प्रश्न भी
ऐसे ही होगा। और गोले के आयतन में बेलन के आयतन का भाग दे देंगे।